नमस्कार दोस्तों, अगर आप खाली बैठे तो लावा के लिए तालियां बजा दो। क्या काम किया है। 4.5 इंच वीजीएस डिस्प्ले, 1GB रैम और 8GB रोम, मीडियाटेक का 6737 प्रोसेसर, 5MP फ्रंट एंड बैक कैमरा, और सबसे बड़ी बात एंड्रॉयड गो एडिशन स्मार्टफोन है ये दोस्तों। और इसमें आपको एंड्रॉयड के लेटेस्ट एप्लीकेशन जो कि कॉम्प्रेस्ड बाय गूगल है एंड्रॉयड गो के लिए, जिससे आपका फ़ोन स्मूथ चले बिना कोई हैंग और लैगिंग के। सो इसके लिए तलावा के लिए तालियां बजानी चाहिए, आप भी बजा तालियां। दोस्तों अगर आपको बताओ इसकी प्राइसिंग के बारे में तो वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बिना एयरटेल के टायरा ब्यामी की उसके हाथ मिला के लेते हो एयरटेल के साथ, तो आपको ये पड़ेगा 4,400 रुपये का। लेकिन अगर आपने एयरटेल के साथ लिया इसे, तो ये फ़ोन आपको 2,000 रुपये में पड़ेगा, क्योंकि इसमें एयरटेल आपको 2,400 का कैशबैक देगा। पर यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है जो कि आपको थोड़ी सी दिमाग पे जोर डालेगी, तो वो है कि आपको 4,400 रुपये ही देने होंगे, आपको एयरटेल के बैंक में पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, एयरटेल के बैंक में 2,400 रुपये मिलेगा, पर फिर भी 2,000 रुपये की इफेक्टिव प्राइस में आपको ये फ़ोन मिलेगा। और काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 1.1 की गार्ड्स पे भी फिर भी ये उतना लैगिंग तो नहीं करेगा। दोस्तों अगर लावा ऐसे ही काम हमेशा करते रहेगा तो दोस्तों काफ़ी फेमस हो जाएगा। दोस्तों पहले कुछ 2013-14 में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बिकते थे, इसके फ़ोन इसके माइक्रोमैक्स के कार्बन के, पर जब से MI और भी कई कंपनीज चाइनीज़ कंपनीज आई है इंडिया में, तब से तो उन्होंने लूट मचा रखी है इंडिया में। दोस्तों लावा को ऐसे ही काम करने चाहिए, और मुझे माइक्रोमैक्स से भी उम्मीद है, पता नहीं वो अपना नया फ़ोन कब लॉन्च करेगा। दोस्तों अब तो जब हमारे हाथ में आएगा ये फ़ोन, तब तो और मज़ा आएगा। दोस्तों बस आज के वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। दोस्तों मुझे बताना कि आप ये फ़ोन खरीदने जा रहे हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।